दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चाहे आपके चैनल पे 50 सब्सक्राइबर्स हैं या 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं या 50 लाख है या फिर 50 मिलियन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी यूट्यूबर्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि हैकर्स जो है वो अलग अलग तरीके से यूट्यूब चैनल्स हैक कर रहे हैं। हालांकि अभी तक न जाने कितने यूट्यूब चैनल्स हैक हो चुके हैं और कितने होने वाले हैं, इसका कोई आइडिया नहीं है। तो ऐसे में आपका भी चैनल हैक हो सकता है। तो आज मैं वो तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने YouTube चैनल को हैक होने से बचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, मेरे चैनल पे 99.4% लोग वीडियोस देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये तो गलत बात है ना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी तो आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकेगी। खैर मैं मुद्दे की बात करता हूं। मुद्दे की बात यह है कि अभी भी यूट्यूब चैनल्स हैक हो रहे हैं, पर इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि उन बेचारों को पता भी नहीं है जो गांव में रहते हैं, गांव में रहकर यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जिनकी रोजी रोटी यूट्यूब से चलती है। पर एक बात बताऊं आपको, हैकर्स जो हैं वो मेरे चैनल पे भी अटैक किए थे, वो भी एक बार नहीं बल्कि 15 या 16 दफा। उस अटैक को हम कहते हैं फिशिंग अटैक, जो कि अभी बहुत सारे चैनल्स पे अटैक किए जा रहे हैं और चैनल्स जो है वो आसानी से हैक होते जा रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ये फिशिंग अटैक होता क्या है। देखिए फिशिंग अटैक में बेसिकली होता यह है कि हैकर्स जो है वो यूट्यूबर्स को मेल करते हैं, जो कि फिशिंग मेल होता है। हैकर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होते हैं, वो आपको लालच देगा $400 $500 का प्रोडक्ट को रिव्यू करने के लिए। ऐसे में इंसान हड़बड़ा जाता है और वो ये सोचने लगता है अरे मुझे अब $400 मिलेगा $500 मिलेगा, ऐसे में उस लिंक पे क्लिक कर देता है, फिर हो जाता है उसका चैनल हैक। तो ध्यान में रखें इस बात को कि जब भी कोई फिशिंग मेल आए या फिर कोई लालच दे, किसी भी चीज़ का लालच दे, तो आप उस लिंक पर क्लिक ना करें, नहीं तो आपका चैनल हैक हो सकता है। तो ये हो गया पहला तरीका जिससे आप अपने यूट्यूब चैनल को हैक होने से बचा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि हैकर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, वो कोई दूसरा तरीका भी ढूंढ सकता है, इनफैक्ट वो ढूंढ चुका है। तो आज मैं वो दूसरा तरीका भी बताऊंगा जिससे आप अपने YouTube चैनल को हैक होने से बचा सकते हैं। पर अगर हैकर कोई तीसरा तरीका ढूंढ लिया तो फिर मैं उस तीसरे तरीके का भी कोई ना कोई तोड़ निकाल लूंगा जिससे आप अपने YouTube चैनल को हैक होने से बचा सकते हैं। पर मुझे पता है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो वीडियो देखते जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, यार कर लो यार, पैसे थोड़ी ना लगते हैं। खैर हम बात करते हैं कि उन हैकर से कैसे बचे। सबसे पहली बात, आप अपनी आईडी और पासवर्ड किसी को ना दे। दूसरी चीज ये कि अगर कोई फिशिंग मेल आता है और उस पर आप क्लिक करते हैं तो फिर आपसे आपकी आईडी और पासवर्ड डालने के लिए कहा जाता है। जैसे ही आप अपना आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो वो हैकर के पास चला जाता है जो आपको फिशिंग मेल भेजा हुआ रहता है। तो आप अपनी आईडी और पासवर्ड ना डालें, नहीं तो आपका चैनल हैक हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपका चैनल हैक हो भी गया तो फिर क्या करें? तो इसके लिए आप यूट्यूब को ट्विटर पे ट्वीट करें या फिर आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं और अपना कंसर्न बता सकते हैं कि हम मेरा चैनल हैक हो चुका है, प्लीज़ आप इसे रिकवर करें। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब YouTube आपको रिस्पॉन्ड करेगा यानी जवाब देगा, उससे पहले आपके चैनल को अच्छे से चेक करेगा और कुछ सवाल पूछेगा। सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछेगा कि आपका जो चैनल है जो हैक हुआ है उस चैनल को आपने कब क्रिएट किया था, यानी कब बनाया था। बहुत से लोगों को याद ही नहीं रहता है कि उन्होंने अपना चैनल कब स्टार्ट किया था, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और दूसरा सवाल आपसे ये पूछेगा कि आपकी लोकेशन क्या है, यानी आप कहाँ से अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। और तीसरी सवाल आपसे ये पूछेगा कि आपके चैनल पे ऐसा कोई बैड एक्टिविटी तो नहीं हुआ है जिससे कोई एक्सेस ले लिया गया हो या किसी ने ब्रांड बनाया या फिर किसी ने मैनेजर बनाया। और चौथा सवाल ये पूछेगा कि आपने कभी किसी दोस्त के कंप्यूटर में या साइबर कैफे में या फिर किसी भी डिवाइस लाइक मोबाइल टैबलेट लैपटॉप कंप्यूटर में अपना ईमेल लॉग इन किया था कि नहीं, वो ईमेल जिससे आप अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। और पाँचवा सवाल आपसे ये पूछेगा कि इनमें से कौन से ईमेल आईडी को आप पहचानते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ ईमेल आईडी जो हैं कुछ हैकर के हैं और कुछ आपके हैं, जैसे आपका यूट्यूब चैनल चलता है या फिर आपने किसी को मैनेजर बनाया हो, वो ईमेल हो सकता है। तो आप अपनी ईमेल आईडी को पहचान कर बताएं कि भाई ये मेरा ईमेल आईडी है। और छठा सवाल आपसे ये पूछेगा कि इनमें से आपका नंबर कौन सा है। याद रखें दोस्तों, नंबर आपको पूरा नहीं दिखाया जाएगा, आखिरी के सिर्फ 4 डिजिट, उसी में आपको पहचानना है कि इनमें से आपके कौन सा नंबर है। और सातवें नंबर पे आपसे ये पूछेगा कि क्या आप अभी भी अपने चैनल को एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। तो आप क्लियरली बोल दे कि मैं अपने चैनल को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल हैक हो चुका है। और आठवें नंबर पर आपसे ये सवाल करेगा कि आपका जो गूगल अकाउंट है वो कौन से डिवाइस में यूज़ करते हैं, प्लीज़ स्पेसिफाई द डिवाइस डिटेल्स, यानी आपको मोबाइल डिटेल्स बतानी है, मतलब कंपनी कौन सी है,
उसका मॉडल क्या है, और 9वें नंबर पर आपसे ये पूछेगा कि क्या आपने कभी भी किसी को मेल दिया था किसी एक्सेस के लिए। मतलब ये कि YouTube जानना चाहता है कि आपका जो चैनल हैक हुआ है वो फिशिंग अटैक के जरिए हैक किया गया है या फिर आपने ही किसी को ईमेल आईडी और पासवर्ड दे दिया है कि लो भाई लो तुम यूज़ करो। तो ये एज अ कन्फर्मेशन के लिए वो YouTube पूछता है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपका जो एडसेंस अकाउंट है उसमें कौन सा ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर अटैच किया हुआ है। याद रखें YouTube का नहीं बल्कि एडसेंस का। कई लोगों का YouTube का अलग रहता है और एडसेंस का अलग रहता है। जो भी ईमेल आईडी आपने एडसेंस में अटैच किया हुआ है वो बताएं। और उसके बाद फिर अगला सवाल आपसे पूछेगा कि क्या आपने कभी VPN यूज़ किया है। देखिए कुछ VPN जो होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं, उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर आप VPN के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक ज़रूर करें और देखें उस वीडियो को। उसके बाद फिर वो पूछेगा कि क्या आपने आईडी और पासवर्ड किसी के साथ शेयर किया है, वो मेंशन करें। इसके अलावा दोस्तों वो ये भी पूछेगा कि लास्ट 6 मंथ में आपने कहीं ट्रैवल किया है क्या। अब आप सोचेंगे कि ट्रैवल से हैकिंग का क्या कनेक्शन, इसका क्या लेना देना है। लेना देना है दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे या फिर मॉल्स जैसी जगहों पे USB वाला सॉकेट लगा रहता है। फिर आप सोचते हैं कि मेरा फ़ोन डाउन हो गया है, चलो इसे हम चार्ज कर लेते हैं, पर एक्चुअल में USB वाला जो सॉकेट है उसके पीछे डिवाइस लगी रहती है जिससे आपका डेटा ब्रीच हो सकता है यानी लीक हो सकता है। इसलिए कभी भी USB वाले सॉकेट से चार्ज ना करें। और अगला सवाल आपसे ये पूछेगा कि क्या आपने एडसेंस में कोई चेंजेस किया है क्या, फिर वो मेंशन करें। उसके बाद वो आपसे एड्रेस पूछेगा, आपको वो एड्रेस डालना है जो एडसेंस का एड्रेस है जो आपने पिन मंगाने के वक्त दिया था, ये एडसेंस वाला एड्रेस वही डालना है आपको। उसके बाद YouTube क्या करेगा कि आपकी एक पब्लिशर आईडी भेजेगा, मतलब एक नहीं उसमें कई पब्लिशर आईडी होंगे, उसमें आपको पहचानना होगा कि आपकी कौन सी पब्लिशर आईडी है। आप अपनी पब्लिशर आईडी को कहीं लिख के रख दें ताकि आप बाद में भी कुछ हैकिंग वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे पहचान सको। अगर आप पब्लिशर आईडी जानना चाहते हैं तो YouTube में जाके मोनेटाइजेशन सेक्टर पर क्लिक करेंगे। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो नीचे में आपको पब्लिशर आईडी दिख जाएगा। तो इतने सारे सवाल YouTube आपसे पूछेगा, उसके बाद आपके हैक हुए चैनल को रिकवर करेगा। दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी गरीब यूट्यूबर हैं, जो भी जिनका चैनल हैक हो चुका है, उन्हें रिकवर करने में मदद मिल सके। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।